एक सच छुपा हुआ होता है। जब कोई कहता है मजाक था यार, एक फीलिंग छुपी हुई होती है। जब कोई कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दर्द छुपा हुआ होता है। जब कोई कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, एक जरूरत छुपी हुई होती है। जब कोई कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, एक गहरी बात छुपी हुई होती है। जब कोई कहता है पता नहीं, एक समंदर छुपा हुआ होता है। जब कोई खामोश हो जाता है, बहुत सारा प्यार छुपा हुआ होता है। जब कोई आपके लिए झुक जाता है, इसलिए लोगों को सिर्फ उनकी बातों से जज न करें, बल्कि उनकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करें, खास करके अपनों को। बात समझ में आई? पांच हजार फेसबुक फ्रेंड्स, 10,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप कॉन्टैक्ट्स, 1 लाख, 10 लाख, मिलियंस टिकटॉक फैंस, लेकिन जब हार्ट अटैक आया तो आईसीयू के बाहर सिर्फ मां बाप, भाई बहन और बीवी बच्चे ही रोते खड़े थे, जिनके लिए आपके पास टाइम ही नहीं था। कभी बैठकर आपने सलीके से उनके साथ वक्त ही नहीं बिताया, आपका दिल ही नहीं कर रहा था, आप तो एक अलग दुनिया में मगन थे। मेरे भाइयों और बहनों, इस काल्पनिक और ख्वाबों की दुनिया से और आर्टिफिशियल और बनावटी दुनिया से बाहर निकलिए, अपने परिवार को टाइम दीजिए, क्योंकि आपका परिवार ही आपके बुरे वक्त में काम आता है। बात समझ में आई? मैं तो मर्द हूं, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा तो दिल ही नहीं है, पत्थर की सिल है, कभी पिघलता ही नहीं, कभी किसी के आंसू देखकर, कभी किसी की मुस्कान देखकर, मुझे तो हक ही नहीं है नाराज होने का, मुझे हक ही नहीं है खिलखिला के हंसने का, आंसू बहाने का, किसी से कोई डिमांड करने का, किसी से कोई उम्मीद रखने का। हद हो गई, किसी से मीठी बात करूं तो फ्लर्ट करता हूं, न बात करूं तो एटीट्यूड रखता हूं, आंसू बहाऊं तो कमजोर हूं, न बहाऊं तो पत्थर हूं, देखकर मुस्कुराऊं तो दिल फेंक हूं, इग्नोर करूं तो गुरूर रखता हूं, किसी को इज्जत दूं तो फॉर्मेलिटी करता हूं, इज्जत न दूं तो एरोगेंट दिखाता हूं। मैं मर्द हूं, मेरे भी जज्बात है, एहसास है, फीलिंग है, मुझे भी रोना आता है, बुरा लगता है, दर्द होता है, दिल टूटता है। ये अलग बात है कि मैं ऊपर से सख्त बना फिरता हूं, क्योंकि मैं मर्द हूं। मेरी 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कंगाल हो चुका हूं। याद रखिए, फिर लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे और ना आपकी मदद करेंगे, क्योंकि लोग आजकल उसी की मदद करते हैं जिनके पास पैसे हैं। आज के जमाने में तो कंगाल आदमी की इज्जत भी नहीं होती। नंबर 2, बीवी अगर आपके साथ गलत सुलू गलत व्यवहार करती है तो ये बात लोगों को मजाक में भी ना बताए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जिसकी बीवी उसकी इज्जत नहीं करती, हम उसकी इज्जत क्यों करें। नंबर 3, अगर आप गुस्से में हो तो अपने मुंह से ना बताएं, लोग ढोंग समझेंगे, अदाकारी समझेंगे। नंबर 4, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हैं, पैसे कैसे कमाने वाले हैं, क्या प्लानिंग है। लोग आजकल बहुत चालाक हो गए हैं, आपके शुरू करने से पहले वही काम शुरू कर देंगे। नंबर 5, आपका धन कितना है और कहां कहां पड़ा हुआ है, क्योंकि मांगने वाले खड़े हो जाएंगे, जलने वाले खड़े हो जाएंगे। आपने सुना होगा बंद मुट्ठी लाख की खुल गई। गरीबी से उठा हूं, गरीबी का दर्द जानता हूं, मैं आसमां से ज्यादा जमी की कद्र जानता हूं, लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधिया, मैं मगरूर दरख्तों का हश्र जानता हूं। मजदूर से अफसर बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूं, मेहनत बड़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, छालों में छुपी लकीरों का असर जानता हूं, कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि आखिरी ठिकाना मैं अपनी कब्र जानता हूं। गरीबी से उठा हूं, गरीबी का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमी की कद्र जानता हूं।